एक चुनक नाम के ऋषि थे, एक चुनक नाम के ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा, और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनु जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए सभी नकली थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया, इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है, क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा। ये सिर पटक कर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह, अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें। लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया, और फिर ऐसे उपकरण बनवाए। नहीं, मनुष्य मेड नहीं है ये, मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है। इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना, ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से, पहले ना थी कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह रहकर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम बसमांतम शरीरम ओम कर्तो सुमर किल्बे सुमर और कर्तुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो यानी श्रद्धा के साथ, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहाँ इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल लिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया, और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया। अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की, इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, वो तो गुप्त है, परोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। जैसा कि जैसे हांसी के अंदर, ये शहर है हांसी, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरवाला और वहीं बैठ जाए थैला धर के कि आ गया बरवाला, उस पे लिखा है वो बरवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है, वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को शंभुहात बोलता है, शंभुहात माने जन्म लेता है श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में।
और कोई असंभवात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं, जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में किया है, कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है, वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे। वेद की वाणी तो गीता ज्ञान दाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहाँ रही? और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है, और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो। तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं, अपने मुख कमल से स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं, और यथार्थ साधना धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी ये ब्रह्मणे शब्द है, वहाँ इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहाँ अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। उसमें ये ब्रह्मणे शब्द है, वहाँ इन्होंने सही अर्थ किया है, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए तीन मंत्र के जाप का निर्देश है, ओम तो ये ब्रह्म का सर्वपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत भी कोडवर्ड है, तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुँचे, उसके लिए ये सब भूमिका बता रहा हूँ आपको, इतना प्रमाण दे करके आपकी बुद्धि सेट होएगी कि सचमुच हमारा कुछ सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है।